हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज शुभम छत्रावत और आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट। लेट्स बिगिन। टेक अ वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक छोटा सा प्यारा सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लो जिसमें से लाइट वापस जा सके। एक लाइट का, तो इसको क्या बोलेंगे, इस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक लाइट का सोर्स ले लो, बल्ब खरीद के लेके आओ जो 10 रुपये का। और लाइट का सोर्स का काम क्या, लाइट का सोर्स का काम है रेज को इंसिडेंट करना। तो लाइट के सोर्स ने क्या किया यहाँ पे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को क्या किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगी। इस रेज को बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये क्या हो जाएगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग रे। बात समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक सर होगा, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। एंड नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल सरफेस के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और एंगल बिटवीन जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये एंगल दिख रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट।